2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले से ट्रेन हादसे की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। इस हादसे में 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना की खबर से पूरे देश में शोक की लहर बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस हादसे के संदर्भ में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। ट्विटर यूजर द रैंडम इंडिया ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि हादसे के दिन शुक्रवार था। गौर करें कि इस यूजर ने तस्वीर में इस सफेद इमारत को पॉइंट आउट किया है, वहीं इस हादसे के लिए कथित रूप से मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया है। और भी कई यूजर्स ने इस हादसे को लेकर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा। इस यूजर ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि शुक्रवार का दिन है और पड़ोस में मस्जिद है। जिहाद करने को ही हाईवे और रेलवे ट्रैक से लगते हुए मुस्लिम कॉलोनी और मस्जिद उगाई जा रही है। तो क्या वाकई में हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा दावा सही है? आइए जानते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि घटनास्थल की तस्वीरों में दिख रही ये सफेद इमारत मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में ये तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये संरचना मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की है। आगे ऑल्ट न्यूज ने मौकाए वारदात पर मौजूद पत्रकार तमाल साह से कॉन्टेक्ट किया। उन्होंने बताया कि हादसे की जगह के पास मौजूद इमारत एक मंदिर है। हमें मालूम हुआ कि घटनास्थल के पास बाहानगा इस्कॉन मंदिर है। यूट्यूब पर इस मंदिर का ये वीडियो भी मौजूद है। ऑल्ट न्यूज के रिक्वेस्ट पर जर्नलिस्ट तमाल साह ने इस मंदिर का दौरा किया और हमें ये तस्वीर भेजी। साथ ही उन्होंने ये वीडियो भी हमें भेजा। इससे ये साफ हो जाता है कि हादसे की वायरल तस्वीर में दिख रही इमारत और इस वीडियो में दिख रहा मंदिर एक ही है। इस्कॉन मंदिर के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने ऑल्ट न्यूज को इस बात की पुष्टि की कि हादसे की तस्वीर में दिख रही इमारत इस्कॉन मंदिर ही है। इस हादसे के लिए रेलवे ने प्राथमिक रूप से सिग्नल की खामी को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरने के लिए हरी झंडी दी गई थी, लेकिन ट्रेन लूप लाइन में घुसकर वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और पटरी से उतर गई। इसी दौरान डाउन लाइन पर यशवंतपुर से सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और उसके दो डिब्बे पटरी से उतर गए। यानी आप ये समझ ही गए होंगे कि सोशल मीडिया पर बालासोर ट्रेन हादसे की तस्वीर शेयर कर दुर्घटना के लिए झूठे तौर पर मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराया गया। असल में तस्वीर में मौजूद सफेद इमारत इस्कॉन मंदिर की है, न कि मस्जिद की।